हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम चर्चा करेंगे कि पिछले 5 दिनों में अलग अलग मीडिया एंकर ने अपनी डिबेट्स में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा की। पहला, फसल बीमा योजना पर दावे और हकीकत। दूसरा, खेती को लेकर जारी है सरकार की गलत बयानी। तीसरा, नैनीताल सिर्फ झीलों के लिए ही नहीं, यहाँ के जंगल भी हैं काफी खूबसूरत। चौथा, फार्म लॉज पर क्या कमेटी ही समाधान का अंतिम रास्ता। पांचवा, किसानों ने कोर्ट की कमेटी क्यों ठुकराई। रवीश अक्सर देश में चल रहे मुद्दों पर बात करते हैं और उनके बारे में विस्तार में चर्चा भी करते हैं। देश में फिलहाल किसान आंदोलन सुर्खियों में है तो रवीश ने अपने शो में यही मुद्दा उठाया। क्या सरकार को बिग नंबर की जगह यह नहीं बताना चाहिए कि इस योजना में किसी भी साल किसान 5.5 करोड़ से लेकर 6.25 करोड़ से ज्यादा बीमा नहीं कराते, इसलिए हर साल 5.5 करोड़ किसानों के जुड़ने का आंकड़ा संदेहास्पद हो जाता है, नए किसानों का जुड़ना। फिर सरकार यह नहीं बताती कि भारत में कितने किसान और कितने किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराते हैं, वो हम बताते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की साइट पर पात्र किसानों की संख्या 14.64 करोड़ बताई जाती है। इतनी ही संख्या कृषि जनगणना में भी बताई गई है। अब आप देख सकते हैं कि एक साल में अधिकतम 6 करोड़ किसानों का बीमा कराना कोई बड़ी बात नहीं। 5 साल में यह योजना 50% किसानों तक नहीं पहुंच सकती है, उस साल की संख्या के हिसाब से यह विश्वास नहीं जीत सकी है। अब बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ की, जो अपने शो के जरिए जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, भूपेंद्र सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट पैनल की सदस्यता छोड़ी। दूसरा, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ट्रंप खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों पर रोक लगाई। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने खेती कानूनों पर केंद्र सरकार को झाड़ा, पैनल बनाने का प्रस्ताव रखा। पांचवा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिडेन को सत्ता सौंपने का भरोसा दिया। कमेटी बनते ही कमेटी भंग होना भी शुरू हो गई है। जैसे मैंने पहले कहा, पी साईनाथ का तो नाम नहीं है, सुना है जस्टिस लोधा ने इनकार कर दिया था। आज भूपेंद्र सिंह मान, जो 4 सदस्यों की इस कमेटी के एक सदस्य थे, उन्होंने मना कर दिया है कि मैं इस कमेटी में शामिल नहीं होऊंगा। क्यों शामिल नहीं होऊंगा, उनको मालूम है पूरे पंजाब में और पूरे जो किसान कौम है उसमें बहुत थू होगी, बहुत बदनामी होगी। भूपेंद्र सिंह मान के बारे में आपको बता दूं, 81 साल इनकी उम्र है और बटाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब के रहने वाले हैं। राज्यसभा के सदस्य रहे 1990 से लेकर 1996 तक। बहरहाल, इनका कहना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे उन्होंने ऐसा मौका दिया। एक किसान होने के नाते और यूनियन लीडर होने के नाते जो इस वक्त पूरी माहौल बना हुआ, जो भावनाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस कमेटी में रह पाऊंगा। मैं अपना जो ओहदा है, मैं इसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अब बात उस मीडिया की करते हैं जो सरकार की चाटुकारिता और विपक्ष से सवाल करने में यकीन रखता है। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा और देखते हैं कि किन मुद्दों को उन्होंने देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, कांग्रेस का आंदोलन या अराजक एजेंडा। दूसरा, ममता पर भारी बीजेपी की मोर्चाबंदी, चुनाव से पहले दीदी का सरेंडर। तीसरा, कोरोना वैक्सीन का दुनिया में डंका, अपनों को क्यों शंका। चौथा, कृषि कानून पर सुप्रीम रोक, सुप्रीम समाधान, फिर क्यों अड़े किसान। पांचवा, बातचीत से क्यों नहीं मिल रहा समाधान, जिद पर कैसे होगा समाधान। अमीश द्वारा उठाए ज्यादातर मुद्दे विपक्ष को ही टारगेट करते दिख रहे हैं और सवाल भी विपक्ष के लिए ही हैं। देश में जो कोरोना वैक्सीन आई है उस पर भी सरकार से सवाल करने की बजाय विपक्ष पर ही उंगली उठाई जा रही है। देखते हैं इस मुद्दे पर वो क्या कह रहे हैं। बायोटेक के कर्मचारी ताली बजाकर वैक्सीन के ट्रक को विदा कर रहे हैं। ये पल देश के लिए ऐतिहासिक है। देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। लेकिन अब आपको इसके उलट दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं। यह तस्वीर ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से आई है, जहां कोरोना की वैक्सीन को लेकर जा रही एक गाड़ी काफी देर तक फंसी रही, क्योंकि ममता बनर्जी के एक मंत्री सकीकुल्ला चौधरी साहब वहां कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सियासत का यह रवैया शर्मनाक है, लेकिन यह इकलौता मामला नहीं है।
कोई कह रहा है कि बीजेपी का टीका है, कोई भ्रम फैला रहा है कि इस वैक्सीन से लोग नपुंसक हो सकते हैं। क्या लोगों की जान खतरे में डालकर सियासत होगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, शुभ टीका अशुभ सियासत। अब बात करेंगे न्यूज नेशन के सीनियर पत्रकार दीपक चौरसिया की और देखेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, एक तरफा इतिहास का वामपंथी एजेंडा क्या? दूसरा, हिंदुओं की आस्था के खिलाफ किसका षड्यंत्र? तीसरा, समाधान का रास्ता निकलेगा या फिर आर पार? चौथा, दीदी के सांसद का रावण राग? पांचवा, आ गई संवाद पर एक और तारीख। दीपक की डिबेट में ज्यादातर मुद्दे हिंदू मुस्लिम वाले होते हैं या फिर विपक्ष पर उंगली उठाने वाले। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे ही मुद्दे की चर्चा की जिसमें वे हिंदू शब्द का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किसका? इसे 80% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आंध्र प्रदेश में हिंदू विरोधी साजिशों की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुनियोजित साजिश के तहत मंदिरों पर हमले करवाए जा रहे हैं, हिंदुओं की दलित आबादी का धर्मांतरण कराया जा रहा है। आरोप बेहद संगीन है और एक साल में मंदिरों पर हमले की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए भी ग्राउंड जीरो पर उतरी। आपको बता दें कि आंध्र के विजयनगरम में कोदंड श्रीराम की 400 साल की ऐतिहासिक प्रतिमा तक तोड़ दी गई है। इस पर हंगामा और तेज हुआ, मंदिर पर हमले होते रहे और आंध्र प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आखिरकार 9 जनवरी को SIT को मंदिरों पर हमले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। मगर बड़ा सवाल यह है कि कथित सेक्युलर खेमे की खामोशी क्यों है? बीजेपी का आरोप है कि हिंदुओं की आस्था पर हमले हो रहे हैं, तो खुद को सेक्युलर कहने वाले लोग क्यों मौन हैं? और क्या आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है? ये भी बड़ा सवाल है जिस पर बहस करेंगे। दोनों तरह के मीडिया का फर्क आपने खुद ही देख लिया, चुनना अब आपको है कि आपको किस तरह का मीडिया देखना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.